बेलपत्र की महिमा स्वयं भगवान शंकर भी अपने आप में पूरी नहीं कर सकते। इसकी कुछ विशेष बातें हैं, वो आप लिख सकें तो जरूर लिख लीजिएगा, जो बेलपत्र के लिए जो बड़ी आवश्यक बातें कही गई। सबसे बड़ी बात है, जहां बेल वृक्ष का पेड़ होता है वहां आसपास सांप नहीं रहते, वहां सर्प नहीं आते। जिस घर में सांप बिच्छू ज्यादा निकलते हैं, गमले में या जमीन में बेलपत्र लगा दें। बेलपत्र जमीन में भी लगता है, बाउंड्री के बाहर भी लगता है, बाउंड्री के अंदर भी लगता है। बेल वृक्ष ऐसा पेड़ है जिसके आसपास कभी सर्प नहीं आते। ये बेलपत्र की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महानता। मुर्दा मरघट के लिए जा रहा हो और यदि वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाए तो ग्रंथ में वर्णन है कि उस जीव का मोक्ष हो जाता है। इसीलिए हजार पेड़ लगाने के बराबर एक बेल की महिमा है। बेल का इतना बड़ा महात्म्य, सहस्र रोपितम वृक्षम। सहस्र कहते हैं हजार को, 1000 पेड़ों को रोपना यानी लगाना, उसका जितना महत्व है एक बेल का पेड़ लगाने की उतनी बड़ी महिमा, इतनी इसकी महिमा भरी हुई है। क्योंकि कोई शमशान घाट के लिए जीव जा रहा हो और वो बेल वृक्ष के नीचे से निकल जाता है, पार्थिव शरीर के ऊपर बेल पेड़ की छाया पड़ जाए, तो ऐसा बताते हैं कि जब ये पार्थिव शरीर मरघट की तरफ जाता है तो हजारों हजारों भूत प्रेत उसे घेरे हुए होते हैं। बेल वृक्ष के नीचे से जैसे ही हुए जीव जाता है, निकलता है, तो जितने भी भूत प्रेत हैं वो सब स्थान छोड़ के भाग जाते हैं। इतनी बड़ी महिमाएं भैया बेल वृक्ष की, इसके प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। मैं तो इसके बारे में बहुत बातें आपको निवेदन करूंगा, बताऊंगा। बेल वृक्ष के नीचे से यदि कोई पार्थिव शरीर निकल जाता है शमशान घाट के लिए तो भगवान महादेव उस जीव को मोक्ष दे देते हैं, उसे यमराज के दरवाजे पर नहीं जाना पड़ता। वायुमंडल में जितनी भी गलत हवा है जिसके द्वारा श्वास की बीमारी हो जाती है, फेफड़े कमजोर हो जाते हैं, उन पूरी उस हवा को ये सोख लेता है। मैं 100 शब्दों का शब्द एक बोल दूं, जो बेल वृक्ष के नीचे बैठता है, जिसके घर में बेल वृक्ष होता है, जिसे बेल वृक्ष की छाया मिलती है, जिसको बेल वृक्ष का स्पर्श मिलता है, उस व्यक्ति को जीवन में कभी श्वास की बीमारी नहीं होती। बेल वृक्ष श्वास बढ़ाता है। वायुमंडल के संपूर्ण जो हवा की अशुद्धता है उसे वो समाप्त कर देता। दिल्ली जैसी जगह है पर बहुत ज़्यादा बेल के पेड़ होने चाहिए, क्योंकि दिल्ली का जो वायुमंडल, जो ऑक्सीजन, जो हवा है, अब तो मुझे पता नहीं, उधर समयपुर बादली जो गरोहिणी क्षेत्र में पड़ती है, बहुत समय पहले मैंने काफ़ी कथाएं वहाँ करी, तो सुबह जैसे ही हम नाक छिनकते तो उसमें से कोयला जैसा निकलता। हमने कहा सबकी नाक सफ़ेद निकलती है, हमारी काली क्यों निकलती है? अंदर से वो काली नाक निकले। मैं हंसाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सही है ये। तो वहाँ वो बोले कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ हैं, उसमें कोयला जलता है, धुआं निकलता है, और ये उसकी वजह से ये ऐसा होता है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ दिल्ली में हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषण, सबसे ज़्यादा धूल दिल्ली में है। तो ऐसी जगह पर जहाँ प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, ऐसी जगह पर पीपल, बरगद और बेल के पेड़ होने चाहिए। वृक्ष बिल्व के लिए बोला गया है कि यह वायुमंडल की हवा की जितनी भी संपूर्ण अशुद्धियां हैं सबको सोख लेता है, हवा को फिल्टर कर देता है। जिसके घर के आसपास बेल के वृक्ष होते हैं उस घर में रहने वाले लोग 20 वर्ष ज्यादा जिंदगी जी लेते हैं। यह बेल वृक्ष की महिमा है, मानता है।